हेलो एवरीवन, आई एम अनामिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि दी हमको पार्लर का कोर्स सीखना है, आप हमको सिखाइए प्लीज़। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक सीरीज़ तैयार करने जाने वाली हूँ जिसमें आप ब्यूटी पार्लर का ए टू जेड कोर्स सीखेंगे। बेसिकली उन लोगों के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं, बट वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं फॉर एनी रीज़न। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट दे वॉन्ट टू डू समथिंग देयर ओन, यू नो। अगर आपको कुछ अपना करना है तो मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको थ्रेडिंग कैसे करते हैं, वैक्स कैसे करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, एन नंबर ऑफ मेकअप की वैरायटीज मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगी। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको सिखाऊं आप उसको अच्छे से सीखें, उसको प्रैक्टिस करें घर पर, और आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मुझे इस वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है, आप उसमें अगर मुझे कमेंट करके बताएं कि दी हमको ये बात समझ नहीं आई, आप हमको दोबारा से समझाइए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। जितनी बार आप मुझसे पूछोगे मैं आपको उतनी बार अच्छे से समझाऊंगी जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा। बस आपको ये करना है, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से करें, राइट। के फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इंदौर, इन जगहों पर जाके मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करे हैं। मैं उन सब का निचोड़ इस वीडियोस, इस सीरीज़ में लेके आऊँगी। जो मैंने वहाँ से सीखा है अच्छा अच्छा, वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊँगी, जिससे कि आप इस सीरीज़ को देखकर अपना एक पार्लर सेटअप खोल सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की। आज की हमारी क्लास है थ्रेडिंग के ऊपर। थ्रेडिंग आप कैसे करें, आप थ्रेड को कैसे होल्ड करें। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि थ्रेडिंग जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है पार्लर के कोर्स में। अगर आपको थ्रेडिंग आ गई तो समझ लो आपको सब आ गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप डे वन से, जैसे मैं बताऊँ, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिलीव मी गाइस, आप इसको 5 से 6 दिन में आप क्लाइंट के ऊपर थ्रेडिंग करना सीख जाओगे। ऐसे मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, तो यही चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम स्टार्ट करते हैं। ये होता है थ्रेड। आपने पार्लर में आप थ्रेडिंग कराने जाते होगे या आप अगर सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि इस तरीके का थ्रेड दिखता है। हम इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं। हम 1 फुट तक इस थ्रेड को ओपन करेंगे लाइक दिस। उसके बाद आपको इस थ्रेड को टीथ में, अंदर टीथ में, अंदर आपके दांतों में दबाना होता है लाइक दिस। ओके, देन आप इसको ऐसे लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। आपने ऐसे 1 फुट थ्रेड ओपन किया, अंदर टीथ में आपने इसको दबाया जिससे कि ये अंदर अच्छे से दबा रहे। फिर आप इस थ्रेड को इस तरीके से अंदर की तरफ, अपने अंदर की तरफ लाइक दिस, जैसे कि आप अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हो किसी चीज़ को, ऐसे आप फोल्ड करके ले आगे बढ़ेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 5-6 नोट। जब इसमें 5 से 6 नोट सफिशिएंट है, ज़्यादा नोट हमें नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा हमको नहीं घुमाना चाहिए इसका। जब आप देखते होंगे कई बार आईब्रोज का कट लग जाता है, वो भी इसी कारण से लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने उसमें अंटे मार दिए हैं तो फिर वहाँ पे कट लग सकता है। बट अगर आप आईब्रो सीख रहे हैं मुझसे तो कट कभी नहीं लगना चाहिए, और कट तभी नहीं लगेगा जब आप इसमें थ्रेड को कम बार घुमाएंगे। 5 से 6 बार सफिशिएंट है घुमाना उसको अंदर की तरफ। तो हम एक बार फिर से देखेंगे, आपने इसको दबाया दांत के अंदर,
और ये वन, इस वाले ऊपर वाले धागे को आप इस तरीके से पकड़ सकते हो अपने थंब से, जिससे कि ये अच्छे से घूम जाए। टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, ये आपकी कैची सी बन जाएगी। फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट होगा हमारा, इसमें आप ऐसे थंब लगाएंगे। लगाया आपने ऐसे थंब, फिर आपकी जब ये कैची सी बन गई, आप इसको ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे। इस थंब को आप प्रेशर देंगे अंदर की तरफ, तो ये जो कैची होगी अपने आप मूव करने लगेगी लाइक दिस। आया आप लोगों को समझ में? एक बार फिर से दिखाती हूँ। हम एक फुट थ्रेड ओपन करेंगे, हम इसको दांतों में दबाएंगे। दांतों में दबाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ 5 से 6 नोट देंगे। 5 से 6 नोट देने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, यानी कि आप किसी का राइट हैंड चलता है, किसी का लेफ्ट हैंड चलता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि राइट हैंड पे हम कैची बनाते हैं ऐसे, और लेफ्ट का जो थंब होता है वो हम इसको प्रेशर देते हैं, तो ये कैची मूव होना, जो हमने अभी आपको बताया कि कैची कैसे बनती है, वो मूव होना स्टार्ट होती है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। हमने ये थ्रेड ओपन किया, हमने इसको दांतों में दबाया, ठीक है, और 1 2 3 4 एंड 5, फिर हमने ये लेफ्ट वाले थंब को लिया और इसको प्रेस करना स्टार्ट किया, ओके, लाइक दिस। तो ये जब आपको आ जाए ऐसे मूव करना आ जाए, जब आपको ऐसे मूव करना आ जाए थ्रेड और ये अंदर बाहर अच्छे से होने लगे, तब आप अपने स्किन पे चलाना स्टार्ट करेंगे। स्किन पे अब आप कैसे चलाओगे थ्रेड? आप इसको ऐसे लोगे, आप बैठोगे और जो आपका नी है यानी कि घुटना, वो आप थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना कि आपके ये जो थ्रेड है वो इस तरीके से आ जाए जैसे कि मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ओके, आप इस तरीके से लेंगे और अपने घुटने पे ऐसे करके चलाना स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोगों को दिख रहा है ना, समझ आ रहा है? फिर आप जब अपने स्किन पे चलाने लगोगे, आपको स्किन पे चलाना आने लगे, आप अपने लेग्स के जितना पार्ट आप निकाल सकते हो, अपने हेयर्स अपने लेग्स के उतना आप निकालना स्टार्ट करना, और जब आपको स्किन पे चलाना स्टार्ट, ये जो कैची आपको दिख रही है इसमें आएंगे बाल इसमें आना स्टार्ट होंगे, फिर आप अपने घुटने पे चलाएंगे, अपने लेग्स पे चलाएंगे, किसी अगर आपकी सिस्टर है, आपकी माँ है, आपकी रिलेटिव्स हैं कोई, तो आप उनको लेंगे, आप उनके हैंड पे यहाँ पर चला सकते हैं। पहले आपको स्किन पे थ्रेड चलाना आना चाहिए, तभी आप किसी और को लेना और फिर उनकी थ्रेडिंग पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऐसे एक दो बार प्रैक्टिस करने से नहीं आती है कभी भी थ्रेडिंग, आपको कंटिन्यूस इसको चलाना है, चलाते जाना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप थ्रेड आप चलाओ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं आपको उस क्वेरी को आंसर देते रहिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि थ्रेडिंग कैसे की जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।